यूपी के बुलंदशहर में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बांग्लादेशी पति पत्नी को पकड़ा है, साथ ही दंपत्ति के फर्जी कागजात बनाने वाले दलाल को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पकड़े गए दंपत्ति पर फर्जी कागजात बनवाने का आरोप है। वहीं पुलिस ने बांग्लादेशी दंपत्ति पर कई धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बुलंदशहर से हमारे संवाददाता रिजवान अंसारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रिजवान, क्या है ये पूरा मामला और कैसे पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है? देखिए, ये मामला दिल्ली से तो उत्तर प्रदेश के कस्बा ऊर्जा नगर का है, जहाँ की पुलिस ने बांग्लादेशी एक पति और एक पत्नी को गिरफ्तार किया है। बांग्लादेशी ये पति और पत्नी पिछले 9 वर्षों से बुलंदशहर ऊर्जा नगर की एक पॉटली में काम कर रहे थे जी। पुलिस को शक हुआ, शक के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ की गई, सीबीसीआईडी की टीम आई, एलआईयू की टीम आई, आईबी की टीम आई, सारे पुलिस विभाग की अन्य टीमें यहाँ मौजूद है। इन पकड़े गए पति और पत्नी बांग्लादेशियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। इनके पास से फर्जी दस्तावेज, फर्जी पासपोर्ट, फर्जी आधार जी, आधार कार्ड, पहचान पत्र पुलिस ने बरामद किए हैं। वहीं फर्जी दस्तावेज बनाने वाले एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। रिजवान, पुलिस ने बांग्लादेशी दंपत्ति को कहां से गिरफ्तार किया है और कैसे ये दंपत्ति फर्जी कागजात से यहां रह रहा था? ये ऊर्जा की एक पॉटली में था, या चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए एशिया में विख्यात उद्योग नगरी ऊर्जा है। यहां 750 पॉटरियां हैं जी। यहां पॉटरियों में करीब 8-10 हजार बांग्लादेशी पॉटरियों और मीट फैक्ट्रियों में काम करते हैं जी। और यहाँ लेबर के रूप में काम करते हैं और यहाँ आकर वो अपने जुगाड़बाजी करके अपने कुछ पैसे खर्च करके यहाँ जो इस तरह के फर्जी दस्तावेज तैयार कराने वाले लोग होते हैं उनसे मिलकर अपने पहचान पत्र और अपने आधार कार्ड तैयार कराकर अपने आप को हिंदुस्तानी भारतीय साबित करने के लिए सर्टिफिकेट तैयार करा लेते हैं जी। रिजवान, इस पूरे मामले में कौन कौन गिरफ्तार हुए हैं, साथ ही ये भी बताए कि कैसे और कहां ये फर्जी कागजात तैयार होते थे? ये आकाश है, आकाश पुत्र गोपाल, ये मोहल्ला पंजाबियान का है, और एक श्रीपति मिश्री पुत्री गोपाल, ये इनकी पत्नी है, आकाश की पत्नी। ये दोनों यहाँ मोहल्ला पंजाबियान में रहते थे और ये गांव किटलापुर रानीपुर नयाबाद बांग्लादेश के रहने वाले हैं जी। और इनके जो फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे वो शेष कृष्ण है पुत्र गुलाब सिंह, ये शेख सराय आलम का है रहने वाला। इसने फर्जी दस्तावेज इनके आधार कार्ड, पहचान पत्र, फर्जी आईडी वगैरह बनवाए हैं। इस तरह से और बांग्लादेशी, काफी बांग्लादेशी ऐसे हैं जिनके और इसी तरीके के कागजात पहले भी तैयार हो चुके हैं। और आपको एक चीज और बता दें, ये बांग्लादेशियों का ऊर्जा कोतवाली क्षेत्र में पकड़ा जाने का मामला कोई पहला मामला, कोई नया मामला नहीं है जी। अब से 8 वर्ष पूर्व भी 128 बांग्लादेशियों को ऊर्जा की एक पॉटरी से बरौनी रोड पर स्थित है, वो पॉटरी जहाँ कप प्याले का काम होता है, 128 बांग्लादेशियों को पूर्व में भी गिरफ्तार किया जा चुका है जी। रिजवान, ये भी बताएं हमारे दर्शकों को कि अब इस पूरे मामले में पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? पुलिस का कहना ये है कि जो बांग्लादेशी है, अब ये जांच कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ ये रुके हुए हैं और फर्जी दस्तावेज बनवाकर भारतीय साबित करके ये इनका मिशन क्या है, क्या ये हमारे देश की शांति को खतरा पैदा करना चाहते हैं या हमारे देश में कोई नई चीज पैदा करना चाहते हैं। इन सारे बिंदुओं पर पुलिस और प्रशासन की पहली निगाह है और जांच हो चुकी है जी। शुक्रिया रिजवान हमसे जुड़ने और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप इस खबर पर नज़र बनाए रखिए, कुछ भी अपडेट होगा हम आपका फिर से रुख करेंगे।